नमस्कार दोस्तों, आपसे मुलाकात बहुत दिन बाद हो रही है। अभी तो देखिए नवरात्रि चल रही है और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि है तो हम सब व्रत भी रखते हैं और बहुत सारा साबूदाना और दूसरी चीज़ें भी खूब खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए साबूदाना के बारे में ही आज बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए साबूदाना को हम जो है वो टॉपियोका के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा जो है इसको जो है बहुत सारे नाम, जैसे सागो, इंग्लिश में सागो बोलते हैं और सकसक के नाम से जानते हैं। आप क्या इसको क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। इसका बोटानिकल नेम जो है मैनीहार्ट मैस्कुलेटा है। और अब हम देखते हैं कि ये साबूदाना कहाँ से आता है, इसको हम कैसे खा सकते हैं, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कौन से लोग इसको नहीं खा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए साबूदाना आता कहाँ से है। आता है ये जैसे ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में जो एरिका जैसे होते हैं उसी तरह से एक पाम ट्री होता है, ये पाम ट्री के जड़ों से मिलता है। तो उसकी जड़ों में जो है वो कंद होते हैं बहुत, जैसे शक्करकंद की जड़ें होती हैं ना, शक्करकंद, तो उसी तरह की ये जड़ें होती हैं, काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं। तो उसमें जो है उस जड़ों का उस पर से छिलका हटा के उसको प्रॉपरली धो के वॉश करके फिर उसके बाद उसका पल्प बनाया जाता है और उसे पल्प को भी ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर उसको छन्नी से छानते हैं। जब छानते हैं तो वो फिर ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं और बढ़िया साबूदाना हमको मिलता है और उसको हम उपयोग करते हैं। फिर हम व्रत में खाते हैं, सोचते हैं कि यार बहुत पेट भर जाता है बहुत, या फिर हम लोग थोड़ा डरते हैं कि अरे नहीं नहीं ये साबूदाना मोटा कर देता है। तो देखिए सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं जो हमको बहुत फ़ायदा करती हैं। अब देखिए अगर आपने एक कटोरी के करीब, मतलब या फिर आप कहिए कि 100 ग्राम करीब साबूदाना अगर आप लेते हैं तो उसमें जो है 358 कैलोरी मिल जाता है आपको। अब वो जो है हमारे लिए, अब आप कहेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 88.7 होता है, लेकिन वो गुड होता है, वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं बढ़ने देता है और LDL मतलब हमारे जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़राब करता है उसके लिए हमारे ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन जो होता है वो 0.19 ग्राम होता है, आयरन इसमें जो है करीब 1.5 mg होता है, कैल्शियम होता है वो 20 mg होता है, मैग्नीशियम इसमें जो है करीब 24.31 mg के करीब होता है, और इसमें जो है पोटेशियम भी पाया जाता है वो करीब 11 mg के करीब होता है। साथ ही साथ इसमें जो है देखिए विटामिन डी भी होता है, फोलिक एसिड होता है, B12 होता है। अब ये सब मिनरल्स विटामिन्स हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, अगर हमको इन ये मतलब थोड़ा साबूदाना से खाने से मतलब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बिल्कुल हमको अपने दैनिक उपयोग में करना चाहिए। अब देखिए गर्भवती लेडी जो होती हैं उनको जो है अगर थोड़ा का साबूदाना खिलाया जाता है तो वो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आने वाले बेबी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो जो है उनको जो है प्रॉपर एनर्जी मिलती है और काफ़ी अच्छा जो है वो फीलिंग होता है, इसीलिए जब हम खाते हैं तो हमारा पेट काफ़ी भरा भरा सा लगता है और इसको जो है हमेशा, अब देखिए कहीं भी बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं उपयोग करना है, हफ्ते में एक या दो दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तब तक उतने समय में ही हमको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो है देखिए कि अगर हम आप सोचेंगे आप किस फॉर्म में, तो देखिए सबसे ज़्यादा फॉर्म तो जो है लोग खिचड़ी के रूप में खाते हैं और आप इसका जो है साबूदाना बड़ा बना सकते हैं, साबूदाना की रोटी बना के खाते हैं, उसकी खीर बनाते हैं, सूप बना के पी सकते हैं और साथ ही इसके जैसे पापड़ भी बनाए जाते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में आप जिस तरह से भी खाना चाहें खा सकते हैं। और कुछ लोगों को साबूदाना का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जिस फॉर्म में आपको अच्छा लगता हो उस फॉर्म में आप खा सकते हैं। तो आप देखिए कि एक छोटा मतलब सब चीज़ जिसको जो है जब हम नहीं जानते थे जानकारी, तो कितनी सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। और अब ये आप जानकारी अपने फ्रेंड्स के लोग में शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो जो हम फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।